तो दोस्तों शुरू हम बात करने वाले टाटा केमिकल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। टाटा केमिकल्स के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो अभी फिलहाल के लिए ऑलमोस्ट 5% के अराउंड की एक बहुत ही बड़ी गिरावट और उसी के साथ काउंटर के अंदर टॉप लेवल से हमें एक शार्प रिजेक्शन एंड अभी फिलहाल के लिए एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी जो है वो चलती हुई देखने को मिल रही है। अब देखो दोस्तों, बात अगर हम करें टाटा केमिकल्स की, तो आज सिर्फ दोस्तों टाटा केमिकल्स ही नहीं, बाकी जितने भी यहाँ पर आपको केमिकल स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे आज हमें कहीं ना कहीं थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग साइड पे थोड़े से डाउन चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अब टाटा केमिकल्स के अंदर ओवरऑल क्या चल रहा है, तो ये काउंटर लास्ट वीक में हमें एक अच्छा खासा केमिकल सेक्टर का गेनर देखने को मिल रहा था एंड भागते भागते 1200 तक आया था, बट 1200 बीइंग अ लेफ्ट हैंड साइड रेजिस्टेंस स्टॉक ने उसको ब्रेक नहीं किया एंड वहीं से हमें शार्प रिजेक्शन भी देखने को मिल गया। अब दो दिन जो भी हो रहा है उसमें होने दो, आपको जो भी यहाँ पर बाइंग सेलिंग कुछ भी करनी है, आपको पोजीशन बनानी है, वो आपको बनानी है 17th of October के बाद, क्योंकि 17th of October को, दैट मीन्स इस अपकमिंग थर्सडे को, टाटा केमिकल्स कंपनी के भी Q2 के रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट है। तो देखना ही है कि नंबर्स कैसे आते हैं, मार्केट का रिएक्शन क्या रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो देखने के बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद आप फिर कोई डायरेक्शनल पोजीशन यहाँ पर बना सकते हो।